नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो तुला राशि वालों, 3 मार्च 2022 से आपके सर पर संकट की तलवार लटकने वाली है। जय मित्रों, आने वाले अगले यह 24 घंटे आपके जीवन को एक बहुत भयंकर मोड़ प्रदान करने वाले हैं। तो तुला राशि के लिए आने वाला यह 3 मार्च का दिन कौन कौन से बदलाव लेकर आ रहा है, कौन कौन सी शुभ एवं कौन कौन सी अशुभ घटनाएं मित्रों इस दिन आपके जीवन में घटने वाली है, इसकी पूरी 100% सटीक भविष्यवाणी आज हम करने जा रहे हैं। तो साथियों, यदि आप सभी भी एक तुला राशि के जातक हैं, उसी के साथ साईं बाबा के सच्चे भक्त हैं, तो अभी के अभी बिना देर करे इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में जाकर सच्चे मन से जय साईनाथ लिखना बिल्कुल भी ना भूले। आइए मित्रों, बिना देर की आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं गुरुदेव के आज के खास अनमोल ज्ञान के बारे में। गुरुदेव द्वारा बताया जा रहा अनमोल ज्ञान बिल्कुल ध्यान से कान लगाकर सुनिएगा, जीवन में आपके बहुत काम आएगा। तो दोस्तों, गुरुदेव कहते हैं, मित्र गरीब है या अमीर मायने नहीं रखता, बल्कि वो आपके बुरे समय में आपका साथ कितना देता है यह मायने रखता है। जय मित्रों, यानी कि एक सच्चा मित्र केवल वही होता है जो आपके दुख में आपके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ा रहे। क्योंकि मित्रों, सुख में तो पूरी दुनिया आपके साथ होती है, परंतु जो दुख में साथ दे वही सच्चा साथी बन जाता है। तो आपके भी जीवन में यदि कोई सच्चा मित्र है तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में जाकर उसका नाम जरूर लिखें। आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इन 24 घंटों में होने वाली तुला राशि की खास महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में। तो दोस्तों, आपको बता दें, दफ्तर में आपके कार्यों की खूब तारीफ होगी। उच्च अधिकारियों और सहकर्मियों के साथ मिलकर आप लंबे समय से जो काम अटके पड़े थे, जो काम रुके पड़े थे, उन कामों को करने में सफल रहेंगे। ऐसे में दफ्तर में दोस्तों इस दिन बहुत खुशियां बन सकती है। लंबे समय के बाद आप देखेंगे कि आपको अपनी मेहनत का फल प्राप्त होगा। यानी कि बरसों से आप जो मन लगाकर मेहनत करते आ रहे हैं, जो परिश्रम करते आ रहे हैं, आपके उच्च अधिकारी, आपके बॉस आज के दिन आपको उस मेहनत का फल प्रदान करेंगे और आपका प्रमोशन हो सकता है। व्यापार कर रहे जातकों को बता दें दोस्तों, आपके कारोबार में बढ़ोतरी देखने को इस दिन आपको मिल सकती है। अगर आप लकड़ी का व्यापार करते हैं तो आज अच्छा आर्थिक फायदा होगा, साथ ही पैसों की स्थिति में भी बड़ा सुधार आपको देखने को मिल सकता है। इतना ही नहीं मित्रों, आमदनी के लिए लगातार बरसों से आप जो प्रयास करते आ रहे हैं, जो प्रयास आपके असफल रह रहे थे, उन प्रयासों में भी आज आपको सफलता हाथ लग सकती है। साथ ही यदि बहुत लंबे समय से आप किराए के मकान में रह रहे थे और अपने स्वयं का कोई घर का मकान खोज रहे थे, घर का मकान लेने की यदि आपके अंदर कोई इच्छा थी, तो आज आपकी वह योजना भी सफल साबित हो सकती है। यानी कि किराए के घर को छोड़कर अब आप नए घर में भी प्रवेश कर सकते हैं। साथ ही पैसों के मामलों में दोस्तों इस दिन अधिक खर्च हो सकता है। या दोस्तों, हाथ आया हुआ धन समझदारी से उपयोग करें, अन्यथा वह आसानी से सरक सकता है और फिजूल खर्च आप पर बढ़ सकते हैं। इसलिए आपके लिए बेहतर यही होगा कि आर्थिक मसलों में आज आप थोड़ी समझदारी जरूर रखें, अपने फैसले ध्यान से लें। साथ ही मित्रों, कामकाज की यदि बात करें तो दिन आपके लिए काफी अधिक व्यस्त रहने वाला है। काम के प्रति आज आपको अधिक समर्पित रहना पड़ सकता है। नौकरी हो या फिर चाहे व्यापार, आज आप अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता आपके हाथ लगेगी। इसलिए दोस्तों, किसी भी काम को आज टालने का प्रयास ना करें, दूसरों पर निर्भर ना रहें। यानी कि आज आपको किसी अन्य व्यक्ति से उम्मीद
नहीं रखना है। जो काम करना है आपको स्वयं करना है, जो जिम्मेदारी आप पर है उन जिम्मेदारियों को स्वयं पूरा करने का प्रयास करें। अपने कामों को यदि आप जल्द से जल्द पूरा करेंगे, अपनी जिम्मेदारियों को निपटाएंगे, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा और भविष्य में आपको उससे लाभ भी प्राप्त होगा। अन्यथा दूसरों के भरोसे बैठे रहेंगे तो आप बैठे रह जाएंगे। साथ ही दोस्तों, दूसरी ओर ध्यान रखें कि घरेलू जिम्मेदारियों में भी आज कुछ बढ़ोतरी हो सकती है। ऐसे में आपको अपने निजी और पेशावर जिंदगी में तालमेल बनाने में कठिनाइयां आ सकती है, दबाव महसूस हो सकता है, तो उस बात का भी आज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। साथ ही दोस्तों, जीवन साथी का मूड कुछ ठीक नहीं रहेगा। बेहतर होगा कि आप बातचीत करते समय अपने शब्दों का प्रयोग बहुत सोच समझ कर करें, अन्यथा आपके एवं उनके बीच कुछ लड़ाई झगड़े, कुछ मतभेद भी छिड़ सकते हैं। साथ ही मित्रों, काम काज के लिए दिन शुभ है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप अपने स्वयं का किसी प्रकार का कुछ नया काम शुरू करना चाहते हैं, नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से यह दिन आपके लिए बहुत ही शुभ दिन साबित होगा। आपकी तरक्की के संकेत मिल रहे हैं। ऐसे में यदि बहुत लंबे समय से आप नौकरी बदलने का सोच रहे थे, नौकरी में बदलाव करने की आपकी कोई इच्छा थी, तो आज आप वह फैसला भी ले सकते हैं। यानी कि मित्रों, नौकरी में बदलाव करने के लिए भी यह दिन शुभ रहेगा। आपके वेतन में बढ़ोतरी होगी। जी हाँ दोस्तों, यदि आप कोई अच्छी नई नौकरी ढूंढते हैं, कोई नई जॉब यदि आप ज्वाइन करते हैं, तो आप पाएंगे कि आज आपके वेतन में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी आपको देखने को मिल सकती है। वहीं व्यापार कर रहे जातकों के लिए बता दें कि कोई रुकी हुई डील जिसे लेकर आप बरसों से परेशान थे, अंदर ही अंदर से आप तनाव में चल रहे थे, ऐसी डील आज आपकी तय हो सकती है। जय मित्रों, कारोबार में आज कोई बड़ा ऑर्डर, कोई बड़ा लाभ आपके हाथ लगेगा, जिससे कि लंबे समय से पैसों से संबंधित जितनी भी परेशानियां, जितनी भी दिक्कतें आपके जीवन में चलती आ रही थी, वह सभी परेशानियां, वह सभी दिक्कतें दूर होगी। यानी कि दोस्तों, पैसों के मामलों में दिन शुभ रहेगा। दूसरी ओर दोस्तों, बता दें, छोटी छोटी बातों का तनाव लेने से बचिएगा, अन्यथा इस दिन आप स्वयं पर परेशानियों का बोझ, तनाव का बोझ काफी अधिक बढ़ा लेंगे और इसका असर आपको अपने स्वास्थ्य पर देखने को मिल सकता है। इसलिए मित्रों, परेशानियों के बोझ में ज्यादा दबे नहीं, खुश रहने का प्रयास करें, जितना हो सके सकारात्मक रहने की कोशिश करें। नकारात्मक लोगों से दूरियां बना कर रहेंगे, वही आपके लिए बेहतर होगा। अन्यथा वह तो कुछ नहीं करेंगे और आपको भी कुछ नहीं करने देंगे, इसलिए ऐसे लोगों से दूरियां बना कर रखें।